बाबा, कितनी बार बोला है कि काम के वक्त टोका मत कर, एक सूत सोना ऊपर नीचे अगर हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नुकसान और आपको बाबा, आप सोने में भी पीतल मिलाते हैं। अरे सत्यवादी, कितनी बार बोला है कि ऐसी बातें खुलकर नहीं बोली जाती हैं। अच्छा छोड़ सब बातों को, बोल क्या बोलने आया है बाबा। हाँ, मैंने एक व्यापार करने का सोचा है। व्यापार मतलब फिर से मेरा खर्चा कराने का मन बना लिया है बाबा। इस बार मुनाफा जरूर होगा, मैं सूरत से सस्ते कपड़े खरीद कर यहाँ बेचूंगा। मैंने पूरी तैयारी करी है बाबा, शुरू में कम सामान रखेंगे, दुकान भी छोटी सी होगी, और बाबा दुकान में एक दर्जी भी रखेंगे ताकि ग्राहकों को ना कपड़े सिलाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। सोचा तो बहुत अच्छा है बेटा, पर इन कपड़ों को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? सिर्फ आपसे 1000 रुपए चाहिए। 1000 रुपए? जरूर बेटा, खुद ही ले ले। पूछता क्यों है? पीछे आंगन में रुपयों का जो पेड़ लगा हुआ है उसी से तोड़ ले, जब देखो तब मेरे पैसे खर्च कराने की योजना बनाता रहता है। मेरे पास ऐसे लुटाने के लिए पैसे नहीं है। लुटाने के लिए? और नहीं तो क्या, व्यापार में तो नुकसान होता रहता है, और तूने अगर पैसे गंवा दिए तो मेरे भविष्य का क्या? मैंने अपने भविष्य के लिए इतनी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं, अगर ये पैसे मैंने तुझ पर लुटा दिए तो मेरे भविष्य का क्या होगा? और तेरी पढ़ाई पे मैंने इतना पैसा खर्च किया है तो तू व्यापार के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ है? अरे नौकरी कर, हर महीने तनख्वाह आएगी, घर से पैसा जाएगा नहीं बल्कि घर में पैसा आएगा, समझे? भविष्य भविष्य भविष्य, हर बार एक ही राग अलापते रहते हैं आप। बेटा जो भविष्य की सोचता है ना, जीवन में वही खुश रहता है। बाबा आपने अपनी पूरी जिंदगी भविष्य की चिंता में निकाल दी, मैंने तो कभी आपको खुश नहीं देखा, पर आज जब सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं रह सकते हैं तो कल कैसे खुश रहेंगे आप? बहस मत कर, मैंने कह दिया कि 1 रुपया नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, समझे? हर बार पूरी तैयारी के साथ अपनी योजना बनाता है, 4 लोगों से पूछकर, व्यापार की बारीकियां सीखकर, आपसे कम से कम पैसे मांगता है। हमारा बेटा बहुत जिम्मेदार है, लेकिन आप हर बार उसका दिल तोड़ देते हैं। क्यों? जिम्मेदार बेटे के ऊपर अगर तुमको इतना भरोसा है तो तुम क्यों नहीं पैसे दे देती? युग में जो यज्ञ बड़ा ये दान यज्ञ है जान, अन्न ब्रह्म का दान है बंदे दाता का सम्मान, प्यासे की जो प्यास बुझाए भूखे को। साईं खिचड़ी बना रहे? हाँ, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, चलो चलो चल के खाते हैं। हाँ, मेरा आशीष पाए। साई हमें खिचड़ी खानी है। मेरे पास पैसे होते कहाँ हैं? आप जितना देते हैं उसमें घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है।
उल्टा मैं ही खुद आपके पास पैसे मांगने वाली थी। कल ही तो 1 रुपया दिया था हफ्ते भर का सामान लाने के लिए। उस 1 रुपए में इतना ही सामान आया है। इतना ही? हाँ। वो आपकी तबीयत ज्यादा खराब थी तो मैंने मन्नत मांगी थी कि आप जब ठीक हो जाएंगे तब मैं साई को 5 किलो लड्डू दूंगी। 5 किलो? सावित्री, ये जो मन्नत है मन में मानी थी ना, तो साई को तो पता ही नहीं ना, तो 5 किलो की जगह पे 0.5 किलो चढ़ा दो। हाँ, वैसे भी साई कहते हैं कि श्रद्धा से दिया हुआ एक फूल भी सोने के मुकुट से महान होता। अरे, ये लो, ये लो लो। और सावित्री, मिठाई खरीदते समय मोल भाव जरूर कर लेना, समझे ना? अरे सावित्री, तुम मुंह क्यों लटकाए हुए हो? अरे मेरी बातें जरूर लोगों को कड़वी लगती हैं, पर भविष्य में जिसके पास पैसा होगा जीवन में वही खुशहाल होगा, तब तुम खुद कहोगी कि मेरी सोच सही है। साई राम। ओम साई राम। क्षमा कीजिए, बिना बताए चला आया। मैं शिरडी का मुखिया हूं, कुलकर्णी सरकार। ज्ञात हुआ कि बापू साहेब बूटे अपने परिवार के साथ शिरडी में आए हैं तो मिलने चला आया। आप मुझे जानते हैं? कभी मिला तो नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है आपको बरसों से जानता हूं। ओम साई राम। आपके बारे में सब कुछ ज्ञात है मुझे, उन्होंने बताया था। उनसे ही मिलने आया हूं। कहां है वो? किससे? किससे मतलब? आपके आई से। कहां है वो जी? उनका तो देहांत हो गया। क्या? ये कैसे हुआ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। 3 महीने पहले ही आई को दिल का दौरा पड़ा और ओम साईरा, ओम साईरा। क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था, इसलिए व्यर्थ ही मैंने आपके आपके दुख को जागृत कर दिया। लेकिन आप उनको कैसे जानते थे? सरकार, एक तस्वीर हाथ लगी है कुछ महीने पहले की। वो औरत किसी साधु के शिविर में गई थी। ओम साई राम, ओम साई राम। लगभग 6 महीने पहले एक स्वामी जी के शिविर में भेंट हुई थी। स्वामी जी ने प्रण किया था कि 1 लाख गरीब बच्चों में वो वस्त्र बांटेंगे। कई सारे लोगों ने कपड़े बनवाने के लिए योगदान भी दिया था। आपकी आई भी वहां थी, वही भेंट हुई थी। उनके साथ बहुत समय बिताया था। सच कहूं, मेरी माँ बहुत साल पहले गुजर चुकी है, लेकिन जब आपके आई से मिला तो कुछ समय के लिए ऐसा लगा मेरी मां मुझे दोबारा मिल गई। पंता जी, सरकार का अभिनय तो कमाल का है। मेरी आई
ये ममता की मूरत, वो सबसे प्यार करती थी। अब ये मेरी जाल में फंस ही गया है। हरिओम। राम जी भला करें। आओ सावित्री, खिचड़ी खा लो। बापू साहेब, जो बीत गया सो बीत गया, उसमें अपना समय व्यर्थ न कीजिए। यह सच है कि मैंने आपके आई में मेरी मां की छवि देखी है, इसलिए उनका सपना पूरा करने के लिए मैं आपकी सहायता करने आया हूं। आपने तो तैयारियां शुरू कर दी होंगी। किस सपने की बात कर रहे हैं आप? ओम सहराम, मुझे लगा आपको बताया होगा उन्होंने। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि भाई को दान धर्म का बहुत शौक था, बस इसीलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने तो कहा था। क्या कहा था आपसे? बापू साहब, मुझे लगा भाई ने आपको बता दिया होगा, लेकिन हो सकता है वो आपको बता ना सकी हो। उनकी एक नेक इच्छा थी, एक सपना था कि गरीबों के लिए एक आश्रम बने, जहां बेघर निराधार लोगों को आश्रय मिले। मुझे लगा आपको ये सब कुछ पता है। मैंने शिरडी में एक भूमि रखी है आश्रम के लिए, सोचा कि आपको देकर आपकी सहायता कर दूं, मदद कर दूं, ताकि आश्रम साई की छत्रछाया में रहे। ओम सहराम, कोई बात नहीं, साई की इच्छा रही तो किसी और व्यक्ति से आश्रम बनवा लेंगे, है कि नहीं? पर इतना बड़ा विचार उन्होंने कहा क्यों नहीं हमसे? आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी कथनी पर आपको संदेह है? नहीं नहीं, संदेह नहीं है, पर हमें दुख हो रहा है कि उन्होंने इसकी चर्चा भी नहीं की हमसे। जी नहीं तो उनके जीवित रहते ही हम बनवा लेते हैं, और उनके हाथों से ही उद्घाटन करवाता मैं। देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो जब आई ने ये बात मुझसे कही थी तो वहाँ सुनने वाले और भी लोग थे। अगर आप चाहते हैं तो उनके पते आपको मैं दे। नहीं नहीं कुलकर्णी जी, हमें आप पे भरोसा है। मैं अपनी आई का सपना जरूर पूरा करूंगा। बापू साहेब, क्या हुआ? बापू साहेब, उस पत्थर में मुझे आपके आई की छवि दिखाई दी। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हमने उस बापू साहेब बूटी पर हर पल निगरानी रखी है। वो एक पत्थर लेके घूमता है, कहता है उस पत्थर में उसकी माँ का वास है, वो उस पत्थर को चमत्कारी मानता है। अरे ओ, ये कैसे हो सकता है? आपकी माँ इस पत्थर में? नहीं नहीं, ये शायद मेरा भ्रम होगा। आपकी माँ इस पत्थर में कैसे दिख सकती है? नहीं, ये आपका भ्रम नहीं है, ये पत्थर साई ने दिया है, और ये भाई के मन की बात बताता है। यानी कि भाई भी वही चाहती थी, और उन्होंने आपको दर्शन दिया, मतलब वो आपको भी बहुत मानती थी। ओम सहराम।
सासू भाई कैसे दिख रही थी आपको? हाँ? बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी थी साईं। साईं खिचड़ी तो खा ली, लेकिन थोड़ा मीठा मिल जाता तो और मजा आ जाता। उसका भी इंतजाम हो गया है चेतन। सावित्री हम सबके लिए 5 किलो लड्डू लाई है। धनीराम के ठीक होने की खुशी में। माफ कीजिए सही, लड्डू तो लाना चाहती थी लेकिन 5 किलो नहीं, आधा ही किलो ला पाई। सावित्री, और जो थैली में छुपाए हैं उनका क्या? नहीं साई, थैली में कोई लड्डू नहीं, देखिए। मैं ना जानूं कौन है तू, नाम है यार। ये लो बच्चों, और भी हैं। एक भी तू, अनेक भी तू, जन्मों के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे, कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख चौरासी रे, हम सागर तर जे घन दुख के हर जे, तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु, अलख उजियारे घर ले जा, खुद भी खाओ और घर वालों को भी खिलाओ। साईं, मेरे पति कंजूसी की हद पार कर रहे। धनीराम कंजूस नहीं है, कंजूस इंसान दुखी नहीं होता, परेशान नहीं रहता, वो तुमसे भी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो आज की खुशी से ज्यादा भविष्य की चिंता में जी रहा है। साईं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन वो हमारे बेटे के भविष्य के बीच मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और कार्तिक इस बात से बहुत दुखी है। तुम कार्तिक की चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा उसे। क्या कहूं, साफ रंग कद 5 फुट से थोड़ा कम, अच्छी सेहत, लाल वस्त्र धारण किए हुए, सर ढका हुआ। मतलब इन्होंने सासूबाई को सच में देखा है? क्या कहूं, ममता की मूर्ति दिख रही थी, अधरों पे मुस्कान, धैर्य, संतोष प्रस्त था। संभवतः इस बात की प्रसन्नता हो कि उनका सपना पूरा होगा। मैंने फैसला कर लिया है कि ये आश्रम आप ही बनवाएंगे और तुरंत बनवाएंगे। ये परोपकार का काम है, पैसा आपको जितना चाहिए मैं दूंगा। ओम साई राम। बापू साहेब,
एक विनती है। कहिए। यह आश्रम के बारे में आप किसी से चर्चा मत कीजिए। भूमि पूजन के दिन हम साईं को बुलाएंगे वहां, उनके हाथों शिलान्यास करेंगे, नींव रखवाएंगे, वो चकित हो जाएंगे, उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। अगर पहले ही ये बात पता चल चुकी तो वो प्रसन्नता नहीं मिल पाएगी। जी हम किसी को नहीं बताएंगे। चलता हूं। ओम साई राम। ओम साई राम। आई चलता हूं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.